पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आचार्य प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का सदस्य चुने जाने पर सौवित्त पोषित प्राचार्य परिषद द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल के अलावा परिषद के अध्यक्ष डॉ. गोविंद सरन, डॉ. के सान्याल, डॉ. सर्वेश चंद्र शुक्ल सहित अन्य शिक्षक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों द्वारा प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी को माल्यार्पण व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने प्रोफेसर चतुर्वेदी को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का सदस्य चुने जाने पर कोटि कोटि बधाई दी। विभाग को गोरखपुर में स्थित जो इतिहासविद हैं या जो इतिहास के बच्चे हैं उनको इनके द्वारा अधिक से अधिक सहायता प्राप्त हो, ये मेरी आकांक्षा है। मैं सिर्फ इतना इसमें कर सकती हूँ कि उन्हें पारिवारिक और विभागीय गुरुदेव कमाल के प्रशस्त तो नहीं है, गुरुदेव के व्यक्तित्व की ये छटा है कि जो थाम लेते हैं वो करके रहते हैं। आज चले गए जिनको मैं अलग अलग तलाशता रहता हूँ कि कब किससे भेंट होगी, कब किससे मुलाकात होगी। और दूसरी चीज जो धन्यवाद में देना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी यहाँ मौजूद है, विगत 5-6 वर्षों से मैं उनसे ये कहता रहता था कि इस बिट्टी ने, इस आंचल, इस अंचल ने, इस संस्थान ने बहुत कुछ दिया, लोग की रोटी के साथ साथ नाम दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया। कब वक्त मिलेगा कि इस मिट्टी को कुछ वापस कर जितना इसने दिया। और आज प्रसन्नता इस बात की है, इस चीज की नहीं प्रसन्नता है कि थोड़ा सा ऋण चुकाने का सुअवसर नगर के प्रथम नागरिक के साथ यह सफर प्रारंभ हो रहा है जो तो नहीं हुआ है। अगर बात होती है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की होती है, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं। दिल्ली में अगर बात होती है तो पूर्वांचल की होती है, और पूर्वांचल की बात इसलिए होती है क्योंकि वास्तव में जनरल साहब दो वर्ष पहले आईसी चार की विभिन्न समितियों में नामित हुआ, या आईसी सुसार में कई समितियों में नामित हुआ, या यूनिशी नेट में नामित हुआ, नेहरू मेमोरियल की समितियों में नामित हुआ। तो वहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाली दिखी वाली यह दिखी कि निश्चित रूप से यह अंचल जो है उसकी मूल परक जो भाषा है वो अपनी मातृभाषा है हिंदी। और यहाँ पर जिन सज्जनों का कब्जा था या जो सरकार के सज्जन बैठे हुए थे उन सज्जनों के बारे में बहुत बात करने देना आवश्यकता है कि हिंदी में लिखा हुआ अगर कोई भी प्रारूप आ रहा है या कोई भी प्रस्तुति आ रही है तो सबसे पहले वो उसको उठा करके किनारे रख देते थे कि या हिंदी में देखने की आवश्यकता है नहीं। दो वर्षों में इतना जरूर हो पाया है प्रमुख संस्थाओं में कि आज की तारीख में आईसीएचआर से मिलने वाली जो ग्रांट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में उसमें 40% ग्रांट्स हिंदी में जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनको मिलने शुरू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतिहास अध्ययन समिति का सदस्य नामित किया है, इसके लिए शिक्षकों के साथ साथ शहरवासियों को भी इसका गौरव होना चाहिए कि हमारे देश का कोई व्यक्ति को भारत सरकार ने इतना बड़ा सम्मान दिया।